राधे राधे भक्तों चाहे मर जाना, लड्डू गोपाल को ये दो चीजें भूलकर भी मत खिलाना, पूरा घर नष्ट हो जाता है। भक्तों एक बार मेरे साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री कृष्णा राधे राधे। भक्तों जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, तो भक्तों घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वो सभी अपने घर में लल्ला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्रायः लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, पर कुछ लोग शुरुआत में तो भगवान को स्थापित करने के नियम का पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। भक्तों अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है, उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महासौभाग्य पाते हैं, जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दें, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाए तो वह अपनी मां को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वह भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को प्यार से बार बार बोलता है तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंसते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि लाड़ लड़ाना किसको कहा जाता है। भक्तों लाड़ लड़ाना वो तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। भक्तों आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाएं। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। भक्तों आप देखेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं तो दोस्तों मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, और लाड़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे, और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है तो मूर्ति के सामने भोग लगाएं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। भक्तों आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थीं, दोनों ही वृद्ध स्त्रियां थीं, दोनों पड़ोसन थीं और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, और उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बंटाती थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैन थी जो हिंदू थी। उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदि भोग अर्पित करती है। भक्तों यह उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेकर आती थी। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती है। भक्तों एक बार हिंदू वृद्धा एक महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वो हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू औरत ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे। जैनी स्त्री ने हां बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था।
उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की, भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक कराया। भक्तों सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए और जैसे जैसे बताया था जेनी स्त्री ने वैसे वैसे किया और वह अपने घर शयन के लिए चली गई। भक्तों जब अगले दिन वह लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान करने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे, जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था। भक्तों अब वह यह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं और ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वह डर गई। सोचने लगी, यह मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पांव कैसे मुड़ गए। भक्तों उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके बाम से ठीक हो जाए। भक्तों बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वह भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देखकर, प्रेम देखकर के ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्तवत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए, वह सीधे खड़े हो गए थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद दूसरी वाली स्त्री जो हिंदू स्त्री थी वह आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया और अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहां गए। यह सुनकर जैन ने उनको सारी बात बताई और यह बात सुनकर कि वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर आ गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। अब वो बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है, मैंने इतने वर्ष तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सके। तब जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे के, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए हैं। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब तक दोनों जीवित रहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करती रहीं। भक्तों हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं, वह मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहे उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन, अंदर ही अंदर वो रिश्ता निभाएं। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आई है, उनकी सेवा करिए। खेल खेल में लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्तों आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें, यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो एक लाइक तो बनता है। भक्तों कुछ लोग इन सबको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, लेकिन भक्तों ये पता ही नहीं है कि यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहां पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे। यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम कराने के लिए खेतों में लेकर जाते थे। और मित्रों मैं क्या कहूं, बाल गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए कैसे रुपए घर में रखे। नरसिंह की कथा आपने सुनी होगी और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया है। भक्तों इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड में लेकर खत्म कर दिया। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटनाओं को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देते हैं। ये वही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देते हैं। ये ऐसा मजबूत रिश्ता निभाते हैं कि 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं और एक बार आप इनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो यह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते जाते। तो फिर भक्तों जब 24 घंटे का यह अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की मां और हर आदमी पिता बनने के महासौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जाएगा।
एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में यह बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसीलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें। और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। भक्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि यह परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है। इसलिए मित्रों, लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें। और कोई ना कोई नाता, जैसे मैंने बोला, भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो, आप जो बनाना चाहिए उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाएं। भक्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई कन्हैया कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लल्ला कहता है, जो इच्छा वो नाम आप दें। वो जरूर परिवार के सदस्य की जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी तामझाम नहीं करना है, वह आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। इसीलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती। इसलिए भक्तों, उनको मात्र प्रतिमा ना समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, फूलों और रत्नों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है। भक्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोए। भगवान के चरणों को धोते समय इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाएं, जो आपको आता है सिर्फ बोलें, लाला उठ जाएगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाएं। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। भक्तों, जब आप उनको स्नान कराएंगे और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नान कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। भक्तों, स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनाते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। भक्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं, हाथ के पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं, उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेले। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करें। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं हैं, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, आप नहीं भूखे रह सकते हैं, इस तरह की समस्या है, तो आप माँ हैं, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती है। भक्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ी जाती, इसीलिए इस कथा को बीच में न छोड़ें, पूरी अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई
कि देवकी का आठवां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के सात संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की आठवीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गए, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गए और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की आठवीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधा कृष्ण अवश्य लिखें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।